प्रदेश का जिला चूरू। बारिश की इस मौसमी हरियाली पर मत जाइए। यहाँ पानी पाताल की गहराइयों के साथ अधिकतर खारा भी है। किसी जमाने में बारिश के पानी को इन टांकों में सहेज कर काम चलाया जाता था। फिर आपणी योजना ने यहाँ गांवों तक पीने का मीठा पानी तो पहुँचाया, लेकिन इन सार्वजनिक नलों तक। इससे पानी तो मिला, लेकिन महिलाओं की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। पहले यहाँ दो घड़िया बरता, बारी आते नहीं, बारी सिर बरता, मैं तो यहाँ लाइन रागता घड़ांगी। अब पहले थारी आ गई, फिर मेरी आ गई, फिर माले बांगी आ गई अगले गी। जब माले मेरा तो नहीं बरिजता, जदाब सिर में कट बट जाता, लड़म करता बैठे। सरकार ने संकल्प लिया गाँवों में पेयजल सुलभ कराने का। चूरू जिले के मेघसर गाँव में अपनी योजना को सुदृढ़ किया गया। 266 लाख रुपए लागत की योजना स्वीकृत कर पानी के लिए ऊंचे जलाशय का निर्माण किया गया। पूरे गांव में पेयजल वितरण के लिए 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जाल बिछाया गया। आज हर घर नल, हर घर जल से मेघसर गांव में एक नहीं अनेक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले मैं आई थी ना 30 साल पहले, तो यहाँ पानी का बहुत फोड़ा था और बच्चों को भी इतने तकलीफ होती, कभी तो नुआते और कभी नुआते भी नहीं। सास ससुर को भी कभी पानी देते नहाने के लिए, कभी नहीं देते। बाथरूम भी नहीं था, लैटरिन जो कुछ नहीं था यहाँ। हम है ना टिब्बे में लैटरिन जाते थे पानी का लोटा ले लेके, इतना तंग होते कोई हद नहीं। अब तो सभी व्यवस्था है, घर घर टूंटियाँ भी हो रही है। कुंड है हमारे खेड़े में, बैंग करता पानी, बरसात को पानी आए करतो। पहले कोई कुछ भी काम हो तो कोई नहीं, पानी पानी यार पेश पड़तो। अगरे खानो पीनो बनानो नहा धोई हो पाई फिर पानी ले आओ, बस वही चल। तो अब तो मैं 100 काम कर सका। अब सिलाई करा जिद कह दो रुपया भी मारा हाथ मेरे, इतो भी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। सुनीता जैसे अनेक परिवारों में खुशहाली ने आज दस्तक दी है। लेकिन एक दौर वो भी था जब गांवों में पानी की समस्या के समाधान के लिए चर्चाओं के दौर चलते रहते थे। ऐसे में जलदाय विभाग के अभियंताओं ने ग्रामीणों को जल जीवन मिशन की जानकारी दी। जल ही जीवन है, हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल। जल चेतना की अलख जगाने के लिए स्कूली बच्चों ने रैलियां निकाली और जल जीवन मिशन की स्वीकार्यता के लिए जमीन तैयार की। आम जन की सक्रिय जन सहभागिता पर आधारित हर घर नल हर घर जल योजना ग्रामवासियों के दिलों को भा गई। जल जीवन मिशन आने के बाद जो IN साहब सबसे मिलकर हमने ये स्कीम बनवाई। एक यहाँ चौधरी था, उसने जगह दी अपने खेत में से, जगह देने के बाद ये टंकी बनी है। फिर घर घर कनेक्शन करवाया। मेरी पंचायत के अंदर 700 नल है, वो चालू है, सबके सुविधा है पानी की, पानी चलता है खूब है। समय की बचत होगी एक तो पहली बात, पहले हम 8 घंटा काम करते थे, अब 10 घंटा काम कर लेते हैं। महिलाओं के सिर पर से घड़ा उतर गया है, पहले सिर पर पानी लाती थी महिलाएं, तो उनको दूर से लाना पड़ता, तकलीफ होती थी। लेकिन अब वो घर में टूटी लगा दी है, जिससे महिलाओं की समस्या भी खत्म हो गई है और सब महिला भी खुश है। श्रवण कुमार के बीते कल का दर्द दिल को छू लेता है। 9 वर्ष पहले मैं फिसल के गिर गया था, जिससे मेरे दोनों हिप है वो टूट गए और गर्दन में चोट आई है, तो गर्दन भी नहीं हिल रही। मेरी वाइफ की और मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं होती थी, उस टाइम मेरे को खुद को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन की बदौलत आज श्रवण कुमार के घर में नल से पानी आने से तकलीफ भरे दिन अब बीते जमाने की बात बन गई है। गांव में स्टैंड ये है वो तो हट गया अब, और ये घर में आ गई टूंटी की स्कीम है जो, तो उसमें घर पे जो पानी नल आता है तो उस टाइम वो पानी का पाइप ला रखा है, प्लास्टिक का PVC पाइप है, उससे मैं मेरा अंदर इधर से लगा के पाइप में और अंदर मेरे घड़े वगैरह वो मैं सब भर लेता हूँ। एकदम बिल्कुल खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पानी की हर एक बूंद का सदुपयोग चूरू जिले की संस्कृति का हिस्सा है। माना आज पानी आसानी से मिलने लगा है, लेकिन बावजूद इसके आज भी घर की रसोई या धुलाई के बाद बचे हुए पानी को सहेज कर हंस राज ने एक छोटा सा किचन गार्डन बना लिया है। वेस्टेज जो पानी है वो हम उसके बगीचे में यूज में लेते हैं, जब पर्स धोते हैं या कि किचन साफ सफाई का पानी है वो गार्डनिंग में काम में लेते हैं। इसका बेनिफिट तो मिलता ही है, थोड़ा पेड़ पौधे घर में होते हैं तो फल फ्रूट सब्जियां मिल जाती हैं, बाकी घर पे बैठने के लिए पशुओं के लिए अच्छा हो जाती है।
जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। पानी की नियमित जांच के लिए स्थानीय महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। आज ये महिलाएं समय समय पर घर घर जाकर घरों में आ रहे पानी की गुणवत्ता की जांच कर ये सुनिश्चित करती हैं कि पानी हमेशा शुद्ध और सुरक्षित मिलता रहे। कभी घरों से दूर कुंडों से पानी लेकर आने के सफर का अंत जल जीवन मिशन ने घरों में नल से शुद्ध पानी पहुंचाकर कर दिया है और मेघसर गांव में खुशहाली और समृद्धि का एक नया अध्याय जोड़ दिया है।